एक समय में हमारी धरती पर दैत्यकार डायनासोर का राज था, या फिर ये कहा जाए कि धरती पर सबसे सफल जीव की प्रजाति डायनासोर का राज था। इन दैत्यकार विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया है। एक समय पर डायनासोर ने अपना जीवन इस धरती पर बिताया था। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियाँ थी, इनमें से कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी थे, तो वही कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो वही कुछ बहुत ही खतरनाक। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण इनका नामो निशान मिट गया, ये सब जानने के लिए हमें करोड़ों साल पहले जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं 6.5 करोड़ साल पहले। आज से 6.5 करोड़ साल पहले सामान्य मौसम था, चारों ओर सूरज की रोशनी फैली हुई थी, लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के दहाड़ने की आवाजें। जब ये डायनासोर की प्रजाति धरती पर बड़े ही आराम से अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बनी शुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहा था, घूमते घूमते वो एक बड़े से एस्ट्रॉइड से जा टकराता है और टकराने की वजह से एस्ट्रॉइड की दिशा बिल्कुल बदल जाती है और वो शुद्र ग्रह पेड़ से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 दूरी पर था, तब अगर एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ऐसा नहीं हुआ और वो एस्ट्रॉइड चांद से बिल्कुल पास से गुजर गया और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। 40 किलोमीटर वाला और 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन वजनी ये एस्ट्रॉइड हर पल पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो ग्रेविटी के कारण इसकी रफ्तार बढ़ गई और 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और जब ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी की परिधि में जैसे ही घुसा तो जबरदस्त घर्षण के कारण ये एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इसने लगभग 4 मिनट में ही अटलांटिक सागर को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी तेज हो गई कि टकराने से पहले ही धरती पर मौजूद जीव इसकी वजह से अंधे हो चुके थे। कोई भी प्राणी उसकी तरफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन सभी जीव उसकी गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। थोड़े समय के बाद ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है और लगभग 35,000 सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि जैसे ही धरती से टकराया तो धरती की लाखों टन मेटल अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाले स्थान पर लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। विस्फोट के 15 मिनट बाद जमीनी टकराव से धरती के चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस कारण समुद्र में विशालकाय लहरें भी उठी। चारों तरफ ये लहरें बढ़ने लगी। भूकंप की तरंगों की वजह से सभी सक्रिय ज्वालामुखी फटने लगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हर जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इस विस्फोट की वजह से धरती का विनाश आरंभ हो चुका था। साथ ही रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी कि 100 किलोमीटर के दायरे में सभी जीव जलकर राख हो चुके थे, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर अभी भी सुरक्षित थे। हालांकि इनका अंत भी निश्चित था। टकराव की वजह से जो धरती का मेटल अंतरिक्ष में चला गया था, वो 30 मिनट के बाद ग्रेविटी के कारण वापस धरती पर आग के रूप में बरसने लगा। इसके साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर मौत की सौगात लेकर बढ़ने लगा। ये तूफान पृथ्वी के चारों ओर चादर के रूप में बिछ गया और इस तूफान की चादर की वजह से काफी समय तक सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाई और तापमान 100 डिग्री से ऊपर पहुंच जाने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों का विनाश हो गया।
और विस्फोट के 2 घंटे बाद धरती का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच चुका था। इस कारण विस्फोट से कोसों दूर डायनासोर भी इस गर्मी के कारण जलकर खाक हो गए। इस प्रलय के कारण जीवों की 80% जाति खत्म हो गई थी और 20% बचे हुए जीवों में से बड़े आकार वाले जीवों को भरपूर खाना न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इनमें वही जीव जिंदा बच सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये किन्हीं और जीवों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बड़ी प्रजाति के अंत से छोटी प्रजाति को बड़ा फायदा हुआ और वो प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स एक स्तनधारी प्रजाति थी। ये प्रजाति खुद को प्रलय से बचाने में कामयाब रही। गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे। हालांकि ये लोग पहले से ही डायनासोर के डर की वजह से धरती के अंदर रहा करते थे। ये जिंदा तो बच गए लेकिन इनके लिए भी खाने की समस्या होने लगी और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इस महाप्रलय के बाद बादल छटे, तापमान सामान्य हुआ और जीवन भी सामान्य हुआ। बची हुई प्रजातियों में अडप्टिव रेडिएशन की वजह से अलग अलग प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। करीब 5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई जो कि सारी प्रजाति से अलग थी। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। ये प्राइमेट्स की प्रजाति थी। प्राइमेट्स की इस प्रजाति के शरीर में काफी बदलाव हुए, खास कर की रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी का एक भाग जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कम होता था और उस भाग में बदलाव के कारण आने वाली प्रजाति खड़ी होकर चलने में सक्षम थी। बदलती प्रजाति के साथ धरती के वातावरण में भी काफी बदलाव हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और इस हलचल के कारण धरती के 2 महाद्वीप पास आ गए और नए भूभाग की रचना हुई। जब 2 महाद्वीप आपस में टकराए तब हिमालय जैसे पर्वतों की श्रृंखला खड़ी होने लगी। उदाहरण के तौर पर माउंट एवरेस्ट। इन पर्वतों की ऊंचाई इतनी थी कि हवाओं के टकराव से मौसम में बदलाव होने लगे और बर्फ जमने लगी। लगातार जमने वाला बर्फ पानी में तब्दील हो गया और हुआ नदियों का निर्माण। धीरे धीरे धरती पर काफी बदलाव होते रहे और जीवन विकसित होता रहा। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस पर्वत श्रृंखला में उभार आने की वजह से वहाँ का हवाई मानसून वहीं ठहर गया। बारिश न होने की वजह से वहाँ के हरे भरे जंगल सूख गए और उन्हीं जंगलों में ग्रेट एप्स की प्रजाति रहती थी, या फिर यूं कहें कि हमारे पूर्वज। ये प्रजाति पेड़ों पर रहा करती थी और पेड़ों से ही फल खाया करते थे। इनकी दिनचर्या में ये टहनियों पर 2 पैरों पर चलने लगे और एप्स ने पहली बार अपने 2 पैरों पर चलना पेड़ों पर ही सीखा। लाखों सालों की बदलती जलवायु और समय के अनुसार ये एप्स कुछ चिंपैंजी में, कुछ गोरिला में तो कुछ इंसान के रूप में विकसित हुए। खैर, धीरे धीरे जंगल सूखते गए तो एप्स के खाने की समस्या हो गई। खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर इनको नीचे जमीन पर कदम रखना पड़ा। इनका दिमाग एक संतरे के जितने बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। धीरे धीरे इनका विकास होता गया और ये 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगे। 2 पैरों पर खड़े होकर चलने से हमारे पूर्वजों को काफी आसानी होने लगी, जैसे कम ऊर्जा का खर्च होना, ज्यादा दूर तक देख पाना। इसी तरह शरीर के साथ दिमाग भी काफी विकसित होने लगा। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने पत्थर का उपयोग करना भी सीख लिया, अच्छा खाना और रहना सीख लिया। आग के इस्तेमाल से वो अंधेरे में रोशनी, गर्मी और जंगली जानवरों से सुरक्षा करना भी सीख गए। मनुष्य जाति की ये पहली और सबसे बड़ी खोज थी। साथ में मांस को आग से पकाना भी सीख लिया। पकाए हुए खाने से चबाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती थी और बची हुई ऊर्जा को वो शरीर के बाकी अंगों में काम लगाने लगे, जैसे कि खासकर वो दिमाग में इसका यूज करते थे। काफी मात्रा में कैलोरी मिलने से दिमाग बड़ा होने लगा। धीरे धीरे मनुष्य ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना सीख लिया। 2 लाख साल पहले इंसानों ने बोलना सीखा था और करीब 1 लाख साल पहले मनुष्य ने अपना पूरा रूप ले लिया था। वो सोचने समझने की ज्यादा शक्ति रखता था। वो हथियार से लेकर आग का सही इस्तेमाल करना जानता था। समय बदलता रहा और समय के साथ बदलाव भी होते रहे। धीरे धीरे इंसान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा। इससे इंसानी
जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। इंसान पूरी दुनिया में फैलने लगा। जंगल वाले इलाकों से लेकर बर्फीले इलाकों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक इंसानों ने अपनी बस्ती बसा ली थी। जरूरत के अनुसार खेती करना सीख लिया था। जगह की जलवायु के अनुसार इंसानी हुलिया भी बदलता गया। इस तरह इंसान की प्रजाति का जन्म हुआ। धीरे धीरे इंसान समझदार होता गया। इंसान खुद को और बेहतर बनाता गया। कस्बे शहर का निर्माण हुआ। विज्ञान, तकनीक और गणित का इस्तेमाल शुरू हुआ और इंसान काफी विकसित हो गया। और अब आता है आज का समय। ये समय एक तकनीक से भरा युग है। मानव इतिहास में इंसान धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी अपना कदम रख चुका है, जैसे कि चांद। तकनीक और विज्ञान की वजह से आज चांद पर पहुंच पाना संभव है और इसी राह पर इंसान बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और बेहतर जीवन जी रहा है। लेकिन हम यहाँ नहीं रुके हैं। हमारा विज्ञान बेहतर खोज और तकनीक की राह पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान आने वाले समय में और विकसित होने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी और भी कई जानकारियां जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आप हर एक खबर से टाइम टू टाइम अपडेट रहें।